अच्छा, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही होता है इतवार को या? आई थिंक हर शहर में होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑफ कोर्स संडे को लोग घरों में होते हैं. आई थिंक अभी इफ्तारी के टाइम पे आज रश होगा, बिकॉज पीपल विल गो आउट, अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे, अपने दोस्तों के घर जाएंगे, तो उस वक्त थोड़ा सा रश होगा. अच्छा, सही है. तो अब बताइए कि क्या सोशल मीडिया पे भी इतनी मसरूफ़ रहती हैं, टी वी ड्रामों में भी इतनी मसरूफ़ रहती हैं, तो अपने लिए भी टाइम निकालती हैं? नहीं निकालती? अपने लिए बहुत टाइम निकालती हूँ. बहुत ज़रूरी है, सबको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान ऐसा होता है ना कि अपने जो करेक्टर कर रहा होता है उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपनी असल लाइफ बेचारा भूल जाता है. दैट्स ट्रू, लेकिन हमारा काम इतना क्रूशियल है, आपको पता है. आप भी माशाल्लाह इतने दिनों से ये कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप इतना काम कर रहे होते हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं होता अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए. अच्छा, आपकी दो फैमिलीज बन जाती हैं, एक तो आपकी अपनी फैमिली और एक वर्क फैमिली, वो भी एक जैसे हमारी ये रमजान ट्रांसमिशन में एक्सप्रेस की प्यारा रमजान की फैमिली है. और ये पता है ईद वाले दिन खुशी के साथ साथ ना ये एक अफसुर्दगी जरूर होती है, वो याद आ रहा होता है वो सब कुछ कि यार जाना है और ये सब कुछ. जैसे हम एक सेट को रैप अप कर रहे होते हैं तो हमें अफसोस होता है कि 4-6 महीने यहाँ पर गुजारे हैं, ये सब लोग अपने लोग बन जाते हैं, अपने फैमिली. बल्कि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि यार रमजान के बाद हम सब मिलेंगे, दावत करेंगे, एक दूसरे के यहाँ आएंगे या खाने पर बुलाएंगे, वो चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होने लगती हैं. और यही चीज़ आप देखें रमज़ान के अंदर, मैं इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा, क्योंकि हम ये लोग ये भी देखना चाहते हैं कि आप एक्टिंग के अलावा निजी ज़िंदगी में अपने क्या ख्यालात रखती हैं. आप जितना अच्छा बोलती हैं तो आपकी बात में असर होना चाहिए, आप लोग आपके जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो करते हैं. हम रमज़ान में क्या करते हैं? रमज़ान में नमाज भी खूब पढ़ते हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ अफ्तारी भी भिजवा रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, खैरात भी कर रहे हैं. अच्छा, जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ फिर हम शायद इबादत का लुत्फ वो नहीं रहता हमारे अंदर, और ये जो एक दूसरे के यहाँ खाना देने से जिससे मोहब्बत पैदा होती है, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दूसरे को तहाइफ देने से मोहब्बत पैदा होती है. ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगा तोहफ़ा दे रहे हैं, सिर्फ ये सोच आपकी जो है ना उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर देती है. आप देखते हैं कि रमज़ान में हम सब बहुत ज़्यादा नेक बने होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे नेकियों वाले काम कर रहे होते हैं, और रमज़ान ख़त्म होती है वो सारी नेकियाँ हम छोड़ देते हैं. हम ना किसी को खाना खिलाते हैं, ना खैरात करते हैं. हम शायद इसीलिए सिर्फ इस लालच में कि अल्लाह एक नेकी के बदले हज़ार नेकियाँ, 70,000 नेकियाँ 70 नेकियाँ तो फरमाता है. लेकिन उसके बाद क्योंकि हम इस लालच में रहते हैं कि अब तो एक नेकी का बदला एक ही नेकी होगा. आप क्या कहती हैं, ऐसा आपने महसूस किया? मुझे लगता है कि रमज़ान इतना बाबरकत महीना है, ज़रूर लोगों के दिमागों में ये थॉट तो आती है कि यू नो, जैसे अभी मैं रिसेंटली किसी से बात की थी तो मैं ऐसा करती हूँ, लोग कहते हैं कि ज़कात आप निकालें, कुछ कहते हैं कि पूरा साल भी आप ज़कात निकाल सकते हैं, आपने एक साइड पर कर दी उस अमाउंट में से आप पैसे निकालते रहे. कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम रमज़ान में ही निकाल देना चाहते हैं क्योंकि उसकी उसका जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा होगा. नहीं, ये बात अपनी जगह कि सवाब हर इंसान का आके जब एक अल्लाह की तरफ एक सेल लगी हुई है सवाब की तो लेना चाहिए. लेकिन हमें और आम दिनों में भी ये अमल करना चाहिए, यानी प्रैक्टिस करना चाहिए. एंड आई फील लाइक कि ये छोटी 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 चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे घर में हमेशा सिखाया गया और बताया गया कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ मत जाएं, किसी की बर्थडे शादी की एनिवर्सरी कुछ ना कुछ तो हो लेकिन वैसे भी उसको तोहफे तहाइफ दें. और मैं तो बहुत ज़्यादा शहरों में आती जाती हूँ, मेरा घर क्योंकि इस्लामाबाद है, ससुराल यहाँ है, तो मेरे लिए तो इट्स ऑलवेज समथिंग कि मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, आई टेक गिफ्ट, मैं वहाँ से यहाँ आ रही हूँ, आई ब्रिंग गिफ्ट. अच्छा, आप पैदा हुई इस्लामाबाद में? मैं पैदा कराची में हुई. पैदा कराची में, फिर इस्लामाबाद चली गई, क्यों, वजह? मेरी फैमिली वहीं पे थी, माय पेरेंट्स केम हियर फॉर अ शॉर्ट व्हाइल. ओके, माय पैटर्नल. यानी आप कराची में पैदा हुई, इस्लामाबाद में कितने अरसे रही? बस ऑल माय लाइफ. अच्छा, यानी सिर्फ पैदा होने के लिए कराची अल्लाह ने फिर शादी करने के लिए अल्लाह ने सिर्फ ट्रांसलेट कराची में किया था, फिर आपको मुस्तकिल कराची आने का फैसला, शादी. अरे वाह, यानी हर चीज अपने असल की तरफ लौट. एग्जैक्टली. तो आप ही बताएं कि कल हम जिक्र कर रहे थे यौम पाकिस्तान था 23 मार्च, तो हम बात कर रहे थे, हम अप्रिशिएट भी करते हैं उन लोगों को जो अपने मुल्क का इस तरह से ख्याल रखते हैं जैसे अपने घर का ख्याल रखते हैं. नहीं, बहुत सारे लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, कहते हैं कचरा फेंकना है फेंको, सिग्नल तोड़ना है तोड़ो. तो आप, यानी ये बात मैं कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि हम अहले यानी अपने शहर कराची के लोगों को कोई उनकी कोई इंसल्ट करें, नऊज़ु बिल्लाह. सिर्फ मकसद कहने का ही कि कुछ हमारे यहाँ वो लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, और रमज़ान में एक अच्छा मैसेज उन तक चला जाए, उनकी इस्लाह हो सके. सिर्फ इस गर से मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं. इस्लामाबाद के रहन सहन में और कराची के रहन सहन में आपको डिफरेंस क्या लगा?
मैं ये बात बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी बोल भी चुकी हूँ दैट मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के लोग अपने शहर को ओन करते हैं. ठीक है. कराची के लोग, और इसमें कोई बुरी, मैं कराची के लोगों को बुरा नहीं कह रही. नहीं, बुरे तो नहीं है. हाँ, लेकिन उनकी शायद प्रायोरिटीज डिफरेंट है कि वो ना अपने शहर को ओन नहीं करते. मैं जब शादी होके नई नई यहाँ पर आई थी तो मुझे बहुत उलझन होती थी इस चीज़ से. और हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल सी बात है इस्लामाबाद में कि अगर कोई कचरा फेंक रहा है गाड़ी से है, या इवन अगर ट्रैफिक पुलिस वाले भी कोई कीनू वीनू फेंक देते, कीनू के छिलके फेंक देते, हम जिनको जाके बोलते हैं कि आप उठाएं इसको. इट वॉज़ वेरी नॉर्मल. यहाँ पे जब मैंने आके ये करना शुरू किया तो मेरे अपने शौहर ने, मेरे अपने दोस्तों ने बोला मत किया करो, उसके पास गन हो सकती है, उसके पास वो कुछ बड़ा आदमी हो सकता है. देख इस, ये बड़ा छोटा आदमी क्या होता है. अच्छा, कराची को एक अल्लाह की तरफ से फजीलत हासिल है कि कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है. यानी इस कराची में हमारे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ हर शख्स आता है रोजगार के लिए, क्योंकि इकोनॉमी हब है. और ज़ाहिर है हर शख्स अपना अपना एक कल्चर लेकर आता है, वहाँ का रहन सहन लेकर आता है, वहाँ का तरीक़ाकार लेकर आता है, और कराची जो है एक माँ की तरह उनको अपने आगोश में ले लेती है. यहाँ पर ज़रूरत ये, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा, हमारी गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उस पर सख्ती होनी चाहिए, और आवाम को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जहाँ हम सबको, सब एक साथ, क्योंकि देखें जो सिंध में रह रहा है वो भी हमारा भाई है, जो पंजाब में रह रहा है वो भी हमारा भाई है, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, KPK वाले, गिलगित बल्तिस्तान, सब हमारे भाई हैं, क्योंकि सब पाकिस्तानी हैं. लेकिन जिस जगह हम रह जाते हैं, जैसे हम कराची से आप इस्लामाबाद शिफ्ट हुई होंगी, ठीक है, जब शिफ्ट हुई तो आपका वो मस्कन बना, आपका वो घर बना, यकीनन आपने उसको साफ रखा ना. जब कराची आई, अब ये ससुराल आपका है, ये अब आपका असल घर अब ये हो गया, तो इसको भी आप साफ रख रही हैं. तो इसी तरह आई थिंक इंडिविजुअली भी सब पे सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहर को साफ करें. जैसे आप अपने, मैं ख्वातीन को बोलती हूँ कि आप अपने घर को साफ करती हैं, ये भी तो आपका घर है. लड़के जैसे अपनी गाड़ियों के बारे में ऑब्सेस्ड हैं कि हमने गाड़ियाँ साफ रखनी है, तो ये आप सड़क पे जो चीज़ फेंक रहे हैं आप डस्टबिन रख लें अपनी गाड़ी में छोटा सा, उसमें आप ट्रैश फेंकते जाएँ और घर में. शायद मैं समझता हूँ शायद इस तरह भी है कि जैसे हम अपने घर का, हम बोलते हैं ना अपने घर का ख्याल रखो, जैसे अपने घर का ख्याल रखते हो, तो वो लोग जो अपने घर को सफाई सुथराई से रखते हैं वो उसी तरह अपने शहर को रखते हैं. और वो लोग जिनसे हम कहते हैं घर घर की तरह रखते, हो सकता है वो अपने घर में भी इसी तरह गंद वंद फैलाते. आई होप नॉट बिकॉज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से मैंने कचरा फेंकता हुआ देखा. अच्छा, एक और सवाल बड़ा अहम है, वो ये कि आपने अपना जो, आपकी जब शादी हुई तो आपने अपना निकाह नामा जो फॉर्म था वो खुद फिल किया, क्या वजह थी? मेरे दीन ने मुझे राइट दिया है. बिल्कुल सही. मैंने, मेरा निकाह नामा मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी था. सही. मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली फिल किया था. आई वॉज़ राइट बिसाइड देम. और मुझे जितने हकूक मेरे दीन ने दिए हैं वो सारे मेरे निकाह नामे में हैं. काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं लोगों के घरों में उस एक लाइन को लेके, उस एक पेज को लेके, विच आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरे शौहर ने बहुत, इवन उन्होंने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया. उन्होंने कहा कि देखें आपके जो जो हकायक हैं, जो जो आपके हकूक हैं, दीन ने जो आपको दिए हैं आप वो प्लीज़ लें, प्लीज़ नो अप्लीकेशन.